दोस्तों तीसरे दिन रोहित शर्मा के कहने पर केएल राहुल ने किया ऐसा काम जिसे देखकर सभी रह गए हैरान। दोस्तों आज भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खेला जा रहा है। दोस्तों जहां भारतीय टीम ने अपनी पहली इनिंग में मात्र 78 रन बनाकर ऑल आउट हुई थी, तो वहीं दोस्तों उसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम के खिलाफ 432 रन बनाए हैं। जहां दोस्तों आज भारतीय टीम ने तो इंग्लैंड के बचे दो बल्लेबाजों को काफी जल्दी पवेलियन भेज दिया था, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम पर इंग्लैंड ने काफी ज्यादा बढ़त बना ली है और इंग्लैंड ने 354 रनों की एक बहुत ही बड़ी बढ़त बनाई है। ऐसे में दोस्तों जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो भारतीय टीम को काफी ज्यादा संभलकर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी, और भारतीय टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी तभी मैदान में कुछ ऐसा घटा जिसे देखकर सभी दर्शक हैरान रह गए। दोस्तों ओली रॉबिन्सन 10वां ओवर फेंक रहे थे और ओली रॉबिन्सन की गेंद केएल राहुल के पैड पर लग गई और अंपायर ने भी उन्हें आउट दे दिया था, जहां केएल राहुल तो रिव्यू नहीं ले रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा के कहने पर जब एक सेकंड बचा था तब केएल राहुल ने रिव्यू लिया, और जब उन्होंने ये रिव्यू लिया तो बॉल विकेट को नहीं लग रही थी। दोस्तों ये दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि दोस्तों केएल राहुल ने ये रिव्यू मात्र एक सेकंड जब बचा था उससे पहले लिया था। दोस्तों ये रिव्यू भारतीय टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। अगर दोस्तों रोहित शर्मा केएल राहुल को रिव्यू के लिए नहीं बनाते तो भारतीय टीम का पहला विकेट ही 16 रन के स्कोर पर गिर जाता, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से केएल राहुल और रोहित शर्मा ने काफी संभली हुई पारी खेल रहे हैं और भारतीय टीम को इस मैच में अभी जिंदा रखे हुए हैं। दोस्तों अभी तक भारतीय टीम का स्कोर 20 रन के पार पहुंच गया है, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को अभी काफी आगे जाना है और भारतीय टीम की तरफ से इन दोनों बल्लेबाजों को काफी संभल कर बैटिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।